हरियाणा के केथल के विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केथल के कस्बा पुंजी में परिवर्तन रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार है हरियाणा में किसानों पर लाठियां बरसा रही है और किसानों को जेलों में डाल रही है। वहीं कृषि खाद पर लगे टैक्स पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। उन्होंने बैंकों के घोटाले पर बोलते हुए लोगों से पूछा कि अब मोदी जी के नाक के नीचे मोदी भाग रहे हैं, क्या अब बाजार नहीं बिगड़ रहा? जब किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने पर बाजार बिगड़ने की बात सरकार कर रही थी, वहीं हरियाणा में सरकारी नौकरियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है और हरियाणा में बार बार पेपर लीक हो रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली कुछ कर रहे किसानों की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि आज का दिन इतिहास का काला दिन है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खट्टर और मोदी सरकार ने किसान के साथ विश्वासघात किया है और अब किसानों पर अत्याचार और अतिक्रमण हो रहे हैं। क्या किसान को विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि क्या किसानों को उनके किए गए वादों को याद कराने का भी अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देना चाहिए। आज का दिन हरियाणा और देश के इतिहास में एक काला दिवस है। खट्टर और मोदी सरकारें जिन्होंने किसान के साथ विश्वासघात कर उसकी पीठ में खंजर घोपा है विश्वासघात का, वो किसान के अधिकारों पर अतिक्रमण और अत्याचार कर रहे हैं। क्या किसान को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं? क्या गूंगी बहरी नाकारा और निकम्मी सरकारों को उनके लिखित वायदे का याद दिलाने का किसान को अधिकार नहीं? क्या किसान की जगह अब जेल की सलाखों के पीछे है या खेत खलियान के अंदर? देश का अन्नदाता को जब आप उत्पीड़ित करेंगे तो ये समझ लीजिए खट्टर साहब और मोदी जी कि जिस दिन किसान की हुंकार जगेगी, खेत मजदूर की हुंकार जगेगी, उस दिन आपको सत्ता खोनी पड़ेगी। आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। अब भी चेत जाइए, किसान को लागत पर 50% मुनाफा दीजिए, किसान की खेती पर लगे टैक्स को वापस कीजिए, किसान के महंगे डीजल और पेट्रोल को सस्ता कीजिए, किसान पर लगाए गए ताबड़तोड़ टैक्सों को वापस कीजिए, किसान के साथ न्याय कीजिए, वरना अन्याय अन्नदाता ने कभी सहन किया नहीं और न करेगा। आप जाने की वरना तैयारी कीजिए। इसका निर्णय चुनाव आयोग और अदालत करेगी, परंतु मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि ईवीएम अकेले भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए तो पेपर ट्रेल उन्होंने लगाई। हमारी ये मांग है कि अगर आप वोट को कागज के माध्यम से भी डलवा रहे हैं तो कम से कम 10% वोटों की गिनती होनी चाहिए, ताकि हेरा फेरी का कोई संदेह किसी पक्ष के हिस्से में न आ पाए। तो वीवीपैट मशीन का क्या विरोध रहेगा? वीवीपैट मशीन तो पेपर ट्रेल है, उसका विरोध करने का प्रश्न पैदा नहीं होता, परंतु अगर उसकी गिनती ना हो तो उसका लाभ क्या है? आज की इस रैली के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता था। आज पुंडरी की ऐतिहासिक धरती पर परिवर्तन रैली से किसान और मजदूर के हक में एक हुंकार गूंजी है। ये हुंकार और न्याय की बयार या तो खट्टर और मोदी सरकारें सुन लें, वरना फिर कुरुक्षेत्र का रण एक बार फिर होगा और उस रणभेरी की आवाज़ मोदी जी और खट्टर साहब को सुन रही होगी। किसान पर अत्याचार, मजदूर के अधिकारों पर अतिक्रमण, गरीब की अनदेखी बंद करें, युवाओं की रोजगार और रोटी का इंतजाम करें। अगर किसान के ट्रैक्टर और ट्रॉली को आप पकड़ेंगे, किसान को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, किसान को अपनी आवाज़ कहने के लिए दिल्ली कूच नहीं करने देंगे, तो फिर वो रण होगी और कुरुक्षेत्र की रण में हमेशा धर्म और नीति की जीत हुई है और फिर किसान की जीत होगी और मोदी और खट्टर सरकारों को हम चलता कर देंगे। अगर राजा डिक्टेटर हो जाता है, जैसे कि उल्टा पे शिकंजा कस रहे हैं, राहुल गांधी जी ने खड़े होकर संसद के अंदर इसका विरोध किया,
और कहा हम संसद में नहीं जमीन देंगे अगर आप किसान के खाद के ऊपर टैक्स लगाओगे। दम करके भाजपा पीछा कर दिया। मैं किसान का एक बेटा, मैं जिसने इस धरती में जन्म लिया, मैं जिसकी रगों में आके आपके संस्कार और खून दौड़ते हैं, आपसे पूछता हूँ किसान की डीएपी और यूरिया पर एक पैसे का टैक्स भी हो, 5% जो टैक्स लगाया हम वादा करते हैं, जैसे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो गए। हरियाणा के कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट।